तो ये है आपका अपना कैम का बॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर आपको अपना कैम की ब्रांडिंग मिलती है, सामने आपको अपना कैम जो आउटडोर मॉडल्स हैं वो आपको मिलते हैं 4G एंड वाईफाई इंक्लूडेड, साइड में आपको किन किन फीचर्स के साथ कैमरा आता है वो सब मिलता है, अगर आपको साइड में वो QR मिलता है अपना कैम का ऐप डाउनलोड करने के लिए, एंड सेम आपको सामने भी अपना कैम के मॉडल्स हैं, एंड यहाँ पे आपको मिलता है अपना कैम का सोशल लिंक्स, यहाँ पे आपको अपना कैम का वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक एंड यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा, अपना कैम का कॉन्टैक्ट नंबर है आपको साइड में जिस पर आप रीच आउट कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपका क्वेरी जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। कैमरा के अंदर क्या क्या रहता है, आपको क्या क्या आइटम्स मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब चलते हैं कैमरा के अनबॉक्सिंग की ओर। तो ये है आपके कैमरा का अडेप्टर, ये है आपका कैमरा का यूजर मैनुअल, लास्ट में आपको मिलते हैं कैमरा को माउंट करने के लिए स्क्रूज एंड बिट्स, एंड देन लास्ट में आपका कैमरा इटसेल्फ, और सबसे इम्पोर्टेंट एक आपका वारंटी कार्ड, एंड ये टोटल ये सब सारी एक्सेसरीज हैं जो आपको कैमरा के साथ मिलती हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आप लिए लाए हैं अपना कैम का 4G PTZ कैमरा, ये अपना कैम का एक 4G PTZ कैमरा है जो कि बहुत अच्छा है, अगर आप कंसीडर कर रहे हैं 4G PTZ कैमरा को लेने के लिए तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस कैमरा हो सकता है। कैमरा फीचर लोडेड है, बहुत सारी फीचर्स के साथ आता है, जैसे कि आप चेक करें इसमें आपको सबसे पहले तो 12 टोटल IRs का एक सेट मिलता है जिसमें आपका 6 IR LEDs रहती हैं और 6 आपकी फुल कलर वाइट LEDs रहती हैं। तो इसमें आपको फीचर क्या क्या रहता है, आपको लाइव मॉनिटरिंग फ्रॉम एनीवेयर रहता है, 4G सिम सपोर्ट रहता है आपको, आपको मल्टी यूजर सपोर्ट मिल जाता है, 2-way ऑडियो के साथ आता है इसको, और इसको आप यूज़ करना काफ़ी इजी टू यूज़ है, आपको सिर्फ इसमें एक 4G सिम लगाना है और एक माइक्रोफोन लगाना है, और इसको आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन कैमरे की ओर। तो ये आपका 4G PTZ कैमरा है, कैमरा में आपको क्या क्या चीज़ें मैं बता दूँ, ये आपका पावर कॉर्ड है, इसको आप अपने कैमरा से अडेप्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका रीसेट बटन है, कैमरा को अगर आपको रीसेट करना है, अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं कैमरा का या आपका कैमरा नेटवर्क नहीं पकड़ा तो आप इससे रीसेट कर सकते हैं। और ये आपका लैन पोर्ट है, तो इससे अगर आप अपने कैमरा को डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट लैन केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सिम कार्ड स्लॉट और SD कार्ड स्लॉट रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने छोटा सा एक सिम कार्ड ऑलरेडी लगाया हुआ है, माइक्रो सिम कार्ड लगता है, नैनो सिम को बोलते हैं, और यहाँ पे आपका माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है। तो ये आपका कैमरा का ओवरव्यू हो चुका है, यहाँ बैक साइड पे आपको एक स्पीकर रहता है, एंड टॉप पे आपका एक माइक्रोफोन और एक नाइट विजन सेंसर रहता है। यहाँ पे आपका कैमरा का लेंस है, 2 एंटीनास हैं आपको, और ये आपका कैमरा की ID है और एक QR, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप अपने कैमरा को कनेक्ट करेंगे सो स्कैन करेंगे तो कैमरा पे को एक ऐप पे आपको एक डिजिटल QR आता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसको आप सेव कर लीजिए, इनकेस आपका ये वाला QR आपका डैमेज हो जाता है बारिश के कारण या थोड़ी सी धूल मिट्टी के कारण, तो आपका एक डिजिटल QR आपके पास सेव रहता है। तो अब हम चलते हैं कि कैमरा कैसे कनेक्ट करना है, कैसे यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो कैमरा को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन का नाम है V380 Pro। आप सिंपली अगर अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे या ऐप स्टोर करेंगे ओपन iOS में, तो आपको सिंपली टाइप करना है V380 Pro, सबसे पहला जो आपका ऐप आएगा वही आपका ऐप है, इसको ओपन करेंगे तो ऐप में कैसे लॉग इन करना है, रजिस्टर कैसे करना है, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप आई आइकन के क्लिक करके वहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ऐसे आपको एक ऐप आएगा, मैंने ऑलरेडी कैमरास ऐड कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा अलग दिखेगा जब फर्स्ट टाइम करेंगे, बट प्रोसेस सेम है। तो इसको करने के बाद आपको आपके कैमरा में एक सिम कार्ड लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर सिम कार्ड लगाना है आपको, तो कुछ इस तरीके से लगाना है, जो आपका कट वाला हिस्सा है उसको आपको टॉप पे रखना है, टॉप पे रखने के बाद आप इसको ऐसे प्लेस करेंगे, आप जब प्लेस करेंगे तो एक क्लिक का साउंड आएगा, आपको क्लिक का साउंड आएगा, दैट मीन्स कि आपका कैमरा परफेक्टली सिम कार्ड परफेक्टली लग गया है कैमरे में। क्लिक करने के बाद आपको कैमरा में पावर देना है, कैमरा आपका पूरा स्टार्टअप लेगा, आपको जैसे जैसे स्टार्ट लेगा आपको लग जाएगा कि कैमरा कनेक्ट हो रहा है, कैमरा पहले आपका स्टार्ट होता है तो आपका साउंड करते हैं, पूरा अपना रोटेशन लेता ताकि कैमरा को ले कि उससे कोई इशू नहीं है। जब आपको कैमरा बोलता है सेलुलर नेटवर्क कनेक्शन, दैट मीन्स आपका कैमरा वाईफाई कनेक्शन सेलुलर नेटवर्क कनेक्शन ढूंढ रहा है, एंड कंप्लीट बोल दिया आपने, तो उसके बाद सिंपली आपको ऐप में आपके टॉप राइट साइड में प्लस का आइकन होगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऐड कैमरा पे क्लिक करना है,
जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको एक QR स्कैन करना है, जो कैमरा के यहाँ पे रहता है QR, यहाँ पे भी हो सकता है आपका, आपका कहीं यहाँ पे भी हो सकता है, तो जहाँ पे आपको कैमरा का QR दिखे वो आपका, और ये आपका डिवाइस आईडी है। आप इसको मैनुअली भी नोट करके रख सकते हैं अगर आप चाहें तो आपको सिंपली इसको एक बार स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा, अगर डिवाइस इज ऑनलाइन, अगर आपके कैमरे को नेटवर्क कनेक्शन मिल गए, अगर आपका कनेक्शन नहीं पकड़ता है तो आपको आता है डिवाइस इज ऑफलाइन, तो ऐड डिवाइस कर दीजिए। एंड यहाँ पर अपने कैमरा का आप कोई नेम दीजिए, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो मैं इसका नेम रख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए ऑफिस रख देते हैं, एंड देन फिनिश। जैसे कि मैं बता रहा था आपको डिजिटल QR मिलता है ताकि आपका कैमरा इन केस आपका बाहर लेने का कोई कहीं डैमेज होता है तो ये आपका एक डिजिटल QR है, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जैसे आप वीडियो पे प्ले करेंगे तो आपको कैमरा बोलता है एंड सेट ए पासवर्ड, हमने एक ऑलरेडी सेट कर रखा है तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। पासवर्ड आपका रहता है कुछ इस तरह से, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल, एंड में कोई न्यूमेरिक्स डाल दीजिए। हमने एडमिन चूज करा क्योंकि वो डिफॉल्ट रहता है। आप अपना नाम चूज कर सकते हैं, अपनी बर्थडे चूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट रहता है पासवर्ड कैमरा का एडमिन 123। इसको जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आपका कैमरा आ जाता है। तो ये आपका कैमरा देता है, कैमरा के कंट्रोल देते हैं अप डाउन, आपका लेफ्ट, आपका राइट जाने के लिए, यहाँ पे आपको अलार्म मिलता है, ये आपका टू वे ऑडियो, हेलो आपका टू वे ऑडियो है, ये आपका माइक्रोफोन के लिए है। यहाँ पे अपने कैमरा की क्वालिटी स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने कैमरा की क्वालिटी स्विच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो क्वालिटी स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे HD और SD सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको मोर में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे सच एस की इन्वर्जन। अगर आप अपने कैमरा को उल्टा करके लगा रहे हैं तो आप इन्वर्जन कर सकते हैं तो आपका वीडियो जो है उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आपको लाइट कंट्रोल्स रहते हैं, ऑन लाइट ऑफ, या ऑटो पर रखिए। ऑटो में क्या होता है कि आपका नाइट टाइम में कैमरा IRs पे चलता है, बट वेन एवर देर इज अ मूवमेंट, जब भी कैमरा का मूवमेंट होती है कैमरा ऑटोमेटिक अपनी लाइट्स ऑन कर देता है। प्री सेट फीचर है, फीचर में आपको 6 लोकेशंस मिलते हैं जिसको आप सेट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने सेट कर दिया लोकेशन नंबर 1, और फिर मैंने सेट कर दिया ये, इसको मैं सेट कर देता हूँ लोकेशन नंबर 2 पे। तो अगर मैं सिर्फ 1 क्लिक करूँगा तो कैमरा ऑटोमेटिकली लोकेशन नंबर 1 पे मूव कर जाएगा। नेटवर्क थोड़ा स्लो होता है तो आपको कनेक्टिंग का आइकन आता है, और फिलहाल आप आगे बढ़ते हो। आपको PTZ कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन होता है जिसमें आपका कैमरा ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट कर लेता है ताकि वो स्मूथ रोटेशन रहे। आपको कलर नाइट विजन मिलता है अगर आप मैनुअली चेंज करना चाहते हैं, और आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी चेंज कर सकते हैं, या कि मैनुअल कंट्रोल्स है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप 4 कैमरा लेते हैं, आपको 4 चैनल के बारे में बताते हैं। सपोज आपने 4 कैमरास लिए और आपने चारों कैमरास को अलग अलग लोकेशन पे फिट कर रखा है, देन आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको चारों कैमरास आपके लाइव हैं, ऑनलाइन हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपके चारों कैमरास आपको एक ही स्क्रीन पर शो करेंगे, और इसको आप सिंगल कैमरा देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप बेस्ट सिम कार्ड लगाएं आपके कैमरा में ताकि आपका कभी डिवाइस ऑफलाइन ना रहे, बट जैसे कि आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, इसको बस पैक करके ओपन करना होता है, आपका कैमरा चल जाता है।